अगली खबर में बात करते हैं बहराइच की, जहां घाघरा नदी की कटान की त्रासदी से सैकड़ों गांव प्रभावित हैं। कुछ जगहों पर तो गांवों का अस्तित्व ही संकट में है। इसके बावजूद प्रशासनिक इंतजाम इतने नाकाफी हैं कि लोगों को अपने गांव का वजूद और अपनी संपत्ति बचाने के लिए खुद मैदान में उतरना पड़ा है। ग्रामीण चंदा जुटाकर कटान से बचाने का भगीरथ प्रयास कर रहे हैं, तो घाघरा को मनाने के लिए पूजा आरती का सहारा भी लिया जा रहा है। घाघरा के कटान के बड़े पैमाने पर शिकार हो रहा मझारा तौकली और 1100 रेती गांव ग्रामीणों द्वारा किए जा रहे श्रम आंदोलन के कारण चर्चा में है। लगभग कटने की कगार पर खड़े इस गांव से जुड़े ग्रामीणों ने देसी जुगाड़ के जरिए वो रास्ता खोज निकाला है, जो भारी भरकम खर्चे के बिना फौरी तौर पर कटान से राहत देने वाला है। ग्रामीणों ने कटे पेड़ों और उसकी पत्तेदार टहनियों को खूंटे से गड़ी रस्सी से बांधकर नदी के किनारे पानी में डालना शुरू किया है। इससे नदी की लहरें जमीन से सीधे टकराने की बजाय पानी में डाले गए पेड़ों से टकरा रही हैं। इसके चलते कटान पर काफी अंकुश लगा है। ग्रामीणों ने रस्सी और अन्य सामानों पर होने वाले इस खर्चे के लिए व्हाट्सएप और अन्य माध्यमों से आर्थिक मदद की अपील की है। इसमें लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा भी ले रहे हैं। कटान प्रभावित 1100 रेती गांव के किनारे हो रहे ग्रामीणों के इस सामूहिक श्रमदान को देखकर रामायण का वह प्रसंग याद आता है, जब वानरों के संग गिलहरियां भी समुद्र पर पुल बनाने में जुट गई थी। घाघरा नदी से हो रही कटान ने बहराइच जिले की 4 तहसीलों कैसरगंज, महसी, नानपारा व मोतीपुर में बड़े पैमाने पर तबाही मचा रखी है। कटान प्रभावित सैकड़ों गांव के सरकारी स्कूल, पंचायत भवन नदी में जलमग्न होकर अपना अस्तित्व खो चुके हैं। हर साल बड़े पैमाने पर हो रही कटान से हजारों हेक्टेयर कृषि भूमि नदी की धारा में विलीन हो चुकी है। आज ग्राम पंचायत मझारा तौकली में लगातार कटान हो रही है 1100 रेती में, तो हम लोगों ने जो है पेड़ को जो है उसमें डलवा रहे हैं जो रस्सी के सहारे, तो इसमें जो है काम रुका हुआ है रस्सी की वजह से, तो कुछ पैसों की कमी है, तो इसलिए ज़्यादा जो भी हो सके वो सहयोग करें जिससे हम लोग काम जो है फिर से चालू हो जाए। यही आप लोगों से निवेदन है कि जितने भी समाजसेवी हैं जो है हम लोगों का सहायता करें, बहुत कठिन परिस्थिति है जिससे हम लोग जो है बेघर होने से बच जाएं।